अब हम आपको लेकर चलते हैं प्रदेश के खेल अलंकरण समारोह में, जहां पर खेल दिवस के दिन खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। बीता हफ्ता प्रदेश के खेल जगत के लिए बेहद खास रहा। राजधानी के रविंद्र भवन में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के मौके पर प्रदेश की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर आयोजित इस खेल अलंकरण समारोह में 30 खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वंदे मातरम के गायन से समा बन गया। वंदे मातरम के बाद शुरू हुआ सिलसिला पुरस्कार वितरण का, जिसके तहत 10 खिलाड़ियों को विक्रम, 15 को एकलव्य और 3 प्रशिक्षकों को विश्वामित्र पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा समारोह में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। यह तो बात हुई पुरस्कारों की, लेकिन इस सभागार से निकलकर अब हम चलते हैं इन खिलाड़ियों की कर्मस्थली, जहां ये लोग और बेहतर प्रदर्शन की आस में पसीना बहाते हैं। ये देखिए, यह है इस साल की एकलव्य पुरस्कार विजेता सिद्रा साबिर। सिद्रा पुरस्कार पाने के बाद भी मुसलसल लगी हैं अभ्यास में। और यह है विकास माझी, इन्हें इस बार रोइंग के लिए एकलव्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सिर्फ ये दोनों पुरस्कृत खिलाड़ी ही नहीं, इनकी तरह बाकी खिलाड़ी भी जैसे पुरस्कार पाने के बाद एकाएक ऊर्जा से भर गए हैं। यह है संदीप राठौर, जिन्हें कराते के लिए एकलव्य पुरस्कार मिला है। संदीप की ही तरह वुशु के लिए पुरस्कृत अंकिता भी लगी हैं अनवरत अभ्यास में। उम्मीद है खेल अलंकरण समारोह में पुरस्कृत हुए खिलाड़ी आगे भी ऐसा ही प्रदर्शन करते रहेंगे। मिले पुरस्कार से प्रेरणा लेकर लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, ताकि प्रदेश का नाम देश दुनिया के फलक पर रोशन कर सकें।